कुछ बताना चाहेंगे? सबसे ज्यादा स्टंट किसने अबॉर्ट किया है, पहले ये जानना चाहेंगे। किसी ने नहीं किया, किसी ने अबॉर्ट नहीं किया है। ये किया है लेकिन बहुत कम किया है, एक दो बारी क्या होगा, ट्राई करने के बाद अबॉर्ट, ट्राई करने के बाद अबॉर्ट करने वाले लोग नहीं है। यार मैं एक चीज पहले बता दूं, ये 90% स्टंट्स हमारे नए हुए हैं, 80 to 90% नए स्टंट्स हुए हैं। जो स्टंट्स रिपीट हुए हैं उसको बहुत डिफिकल्ट करके मॉडिफाई किया गया है। इस बार का सीजन सबसे ज्यादा ठंडा भी था तो हम लोग अलग स्टंट कर रहे थे, ठंड में स्टंट करना, मतलब बहुत ठंडा नहीं था, सीजन बहुत गर्म था बट ठंड बहुत थी, तो हमने जितने भी स्टंट्स किए हैं वो स्टंट्स तो आप देखते आ रहे हो इतने सारे सीजन्स में, लेकिन उसके वो डबल चैलेंजिंग ट्रिपल चैलेंजिंग हो गए, क्योंकि केप टाउन का मौसम इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, हवा इतनी तेज चलती है कि आप बैठे हो और आप ऐसे 60 किलोमीटर पर आवर एक दिन में 4 मौसम, धूप इतनी जलाने वाली, फिर हवा, फिर पानी, तो बट इतना मजा आया ना कि जिंदगी में कभी ये भूलेंगे नहीं। ऐसा एक्सपीरियंस था। प्रोमो आउट जहाँ पे बताया कि आप सबको डांटते हो, टीचर है ये, टीचर दीदी। अरे यार पार्टनर स्टंट था और इसको पता था कि कैसे करना है। बिल्कुल नहीं पता था। नहीं, it's like wait I know what I'm doing। हाँ, मुझे पता था मैं क्या कर रही हूँ, सुन लो मैं कुछ बोल रही हूँ। और एक्चुअली दिख नहीं रहा था, वो बिल्कुल बोल के ही कोऑर्डिनेशन होना था, तो डीनो ऊपर था मैं नीचे थी और वो सीसो था पानी के ऊपर, तो हम दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना था, तो जस्ट गाइड करना था लेफ्ट राइट ये वो, तो वो भी नहीं सुन रहा था मैं भी नहीं सुन रही थी। हम दोनों ने पहला स्टंट साथ में किया था तो ऐसा था कि एक दूसरे को जानते नहीं है और दोनों को पार्टनर स्टंट दे दिया फर्स्ट, और दोनों इम्पेशेंट लोग साथ में, तो वो भी चिल्ला रहा मैं भी चिल्ला रही, फिर बाद में मैं चिल्लाई साथ में। तो मेरा नाम चिल्लाना आप प्रोमो में देख सकते हो, तब से टीचर बन गया इसका नाम, चुप कोई नहीं बोलेगा। बट आई थिंक इस शो की सबसे खूबसूरत बात है इस सीजन की स्पेसिफिकली, क्योंकि हर एक जो बंदा है ना, हर एक जो कंटेस्टेंट है वो अपने आप में एक डिफरेंट कैरेक्टर है, मतलब सबकी अपनी अपनी पहचान है। जैसे मैं गाती हूँ, मैंने इतना एंटरटेन किया इन सब लोगों को गा गा के, और उसके बाद डीनो रैप करता है, ये जो है हमारी टीचर हैं मल्टी टैलेंटेड, और फिर हमारी एक्सप्रेशन क्वीन। सो आई थिंक सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी है जो उभर कर आएगी बाहर, और बहुत ही अपने आप में सब डिफरेंट है और ऑल आर वेरी यूनिक, वेरी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। हो गई अपनी तारीफ। ओह थैंक यू। सवाल लास्ट डे पे शॉपिंग के लिए गए थे तो क्या कुछ लेकर आए आप लोग वहां से? बहुत सारी मैं बताऊं, नायरा मेकअप लेकर आई है उसके अलावा जो मेन इम्पोर्टेंट लेके आई वो तो तूने बोला नहीं। मेकअप लेके आई है बहुत सारा, स्पेशली मेकअप के लिए पूरा दिन लगा इस लड़की ने। बहुत सारी चीजें मैं उसके लिए अफ्रीकन लायन लाई हूँ, वो सॉफ्ट टॉय, मैंने टैटू कराया वो लाई हूँ। आई ऑल्सो गॉट अ टैटू, इट्स कॉल्ड डांक बार। रोक के दिखाई, फोटो ले रहा था ऊपर की। डांग बार मीन्स ग्रेटफुल इन अफ्रीकांस, तो मैंने अपनी हैंड राइटिंग में ये लिखा है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस एक्सपीरियंस। और मेरा 20वां टैटू है, 20th टैटू, सो आई थॉट कि वो स्पेशल होना चाहिए, तो मैंने अफ्रीका में उसको बनवाया है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसा खेल मुझे खेलने को मिला, खतरों का खेल, तो मज़े आ गए। आई थिंक ये उसके लिए डेडिकेटेड है और हम सबके बॉन्ड के लिए। अच्छा बता दो मेरे को। आपकी टॉप 3 में सबसे ज्यादा अवार्ड किसने किया? किसी ने नहीं किया। इस बार का अवार्ड सबसे कम है, सबने ट्राई किया, किसी ने भी देख के ही नहीं बोला कि अवार्ड मुझे नहीं करना। एवरीबॉडी ट्राइड। सब सोशल मीडिया पोस्ट को देख के ऐसा लग रहा था आप लोग वैकेशन वहां पे मना रहे हो। भाई हम ठंड का वैकेशन मना रहे थे। वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, हमारे पास फोन नहीं होता वहां, हम वही दिखाना चाहते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, वही दिखता है। सुबह 5:30 बजे हम रोज उठते थे, 5:30, 5:15 इसके अराउंड, फिर हम 6 बजे बस में सारे बैठते थे, 1 घंटा या 1.5 घंटा दूर हमारी लोकेशन। उसके बाद हमारा दिन शुरू होता है, स्टंट पे स्टंट, बैक टू बैक, कोई आराम नहीं, कोई कुछ नहीं, इट्स ऑल रियल। बट उस ऐसे डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट को भी इतनी खूबसूरती से जो हमने जिया है, क्योंकि वो केप टाउन था, क्योंकि ये खतरों के खिलाड़ी है, क्योंकि इसमें रोहित शेट्टी सर हैं और इसमें हम सब मिले और हमारा बॉन्ड बना, परिवार बन गए हम। तो आई थिंक ये आपको देखना बनता है, ये आप सब देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो, और हम भी बहुत खुश होने वाले। तुमने मिस कर दिया कौन सा वाला? हम दोनों ने एक अच्छी सी डाइट भी फॉलो की थी। कौन सी वाली डाइट? इट्स कॉल्ड बनाना डाइट। हम हमेशा स्टंट के पहले केला रखते थे अपने पास जेब में ताकि ताकि एनर्जी मिले, क्योंकि क्या होता है कभी भी वाटर स्टंट आ सकता है और आप अगर खाना खा के वाटर स्टंट करोगे तो पूरा बाहर आ जाएगा। और वो रोहित सर ने निकाला था इनकी पॉकेट में से, हाँ, इन्होंने पीछे छुपा के रखा हुआ था। तो सर बोले तुम्हें खाने पीने नहीं मिलता, यहाँ पे केले छुपा रहे हो, केले चोरी कर रहे हो तुम लोग, तो मजे आए। यार चोटें सबको आई है, वो पहले स्टंट की बात थी, उसके बाद तो जितने स्टंट हुए हर एक स्टंट में चोट आई है सबको बहुत ज्यादा लगी है। इसके भी पूरे घुटने छिल गए थे और वो कट्स लग गए थे, इसको लगी थी, कुत्ते ने काटा था कुत्तों ने काटा था इसको और मुझे, तो बहुत लगी है, बहुत ज्यादा लगी है कहीं ना कहीं सबको। अर्चना को स्टिचेस आए, शिव को स्टिचेस आए, बट वो उनके खुद की वजह से। आई थिंक ये बैटल वुंड्स हैं, ये हमारे अचीवमेंट, हम खुश हैं इनको लेके, इन जख्मों को लेकर। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस तो पूरा रखते हैं वहाँ पे, बट अगर हम मिस्टेक करेंगे तो इट्स योर फॉल्ट ओनली। सो या ऐश्वर्या, आपके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था जब आप नील को देखकर, अरे आपने वहां नहीं, घर पे सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं बहुत, पता है, मैं जो सोच के आती हूँ ना कभी होता ही नहीं मेरे साथ, तो मैं सोच के आई थी ओ मेरा हस्बैंड आएगा, मैं कूद जाऊंगी उसमें ये, और मैं ऐसा रोई हूँ, मेरा पोपट हो गया मेरे को रोना ही निकल गया वहाँ पे मेरा, अरे बट मैं बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि 2 महीने के बाद देख के मैं, मुझे सेंसेस में ही नहीं थी, मैं पूरी फ्लाइट में सोई नहीं थी, मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में 1 घंटा मुश्किल से 1-2 घंटा में, और मैं पूरी फ्लाइट सोई हूँ बस। और उसके बाद आने के बाद मतलब उसकी जब आवाज़ मैंने सुनी इतने, मतलब 2 महीने के बाद कान में जब उसकी डायरेक्ट आवाज़ गई ना, उसका उसकी हार्ट बीट मुझे फील हुई, उसके बाद सो आई वाज लाइक अरे यार मैं क्या करूं, बहुत इमोशनल हो गई थी मैं। आशा ये भी खबर आ रही है, यू नो आपको बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया, इज इट? हे भगवान, बिग बॉस आप जवाब दे दो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो सीरियसली। थैंक यू गाइस।